अट्रैक्शन ऑफ अंजुना बीच गोवा मीन्स टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ अंजुना बीच गोवा। अब अंजुना बीच की जब आप आगे जाओगे तो सनसेट पॉइंट बागाटोर बीच वाला मिलेगा, बागाटोर बीच और उसके बाद बागाटोर बीच और चपोरा फोर्ट जो कि आप देख रहे हैं मैप में, और उसके बाद ड्रीम बीच मिलेगा। तो मतलब अंजुना बीच कहाँ पर स्थित है, अंजुना बीच लोकेशन, अंजुना बीच कहाँ पर है, तो अंजुना बीच कहाँ पर है, अंजुना बीच बागा बीच एंड बागाटोर बीच के मध्य में स्थित है। तो चलिए मैं पहुंच गया हूँ कहाँ पर, गोवा के बहुत ही फेमस या फिर ये कहें नॉर्थ गोवा के एक फेमस बीच जिसे अंजुना बीच कहा जाता है, जो कि बागा बीच एंड बागाटोर बीच के मध्य में स्थित है। वैसे तो इस बीच के बहुत सारे एंट्रेंसेज हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो इसका जो कोस्टल लाइन है सारा डूब जाता है पानी में और घूमने के लिए कुछ नहीं बचता है। लेकिन अभी फिलहाल बारिश एक महीने पहले हुई थी तब का माहौल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अभी कैसा है। मतलब एक महीने पहले बारिश हुई तो बीच के कितनी कोस्टल लाइन बची हुई है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये है नॉर्थ गोवा का एक सुंदर सा बीच जो कि विदेशी टूरिस्ट के साथ साथ इंडियन टूरिस्ट के लिए भी फेमस है, और यह बीच स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं इसकी कोस्टल लाइन लगभग डूब ही गई है, और मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो हिल दिख रही है वहाँ से शुरू हो जाता है और उसके उस साइड आपको बागा बीच दिखेगा और उसके इस साइड पूरा अंजुना बीच है। ये आप देख सकते हैं विदेशी पर्यटक यहाँ पे अपना चिल कर रहे हैं, तो आप भी चिल कर सकते हैं। टूरिस्ट थोड़ा सा कम है क्योंकि इस बीच के बहुत सारे एंट्रेंसेज है, गूगल मैप आपको फटका भी देगा अगर आप गूगल मैप से आओगे तो। लेकिन अंजुना बीच का एक और एंट्रेंस है जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं, तो चलिए मैं उस एंट्रेंस की तरफ चलता हूँ। तो मैं इस एंट्रेंस पे चल रहा हूँ जो कि गूगल मैप पर नॉर्मली आता है और नॉर्मली लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैं यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ये फ्ली मार्केट है, अंजुना बीच फ्ली मार्केट जिसे बोलते हैं, बहुत सारी हैं। मैंने पूरा डिटेल शूट नहीं किया है डिटेल में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक देख रहे हैं। यहाँ पर पहले सेक्स होती थी लेकिन बारिश के कारण यहाँ पे कोई सेक्स नहीं दिख रही है। अब देखो मैं उस वहाँ से उस वो हिल दिख रही थी वहाँ से ही, तो मैं वहाँ से लेके यहाँ पर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट कितना कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंजुना बीच पर अगर आपको इंजॉय या फिर वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय करना है तब आ सकते हैं, लेकिन इस एरिया में स्कैम भी ज़्यादा होता है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आने के लिए अंजुना बीच पर। लेकिन अंजुना बीच पर एक फोटोग्राफी प्लेस भी है जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, गोवा फेमस प्लेसेज, नॉर्थ गोवा फेमस प्लेसेज एंड टूरिस्ट प्लेसेज एंड विजिटिंग प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस हिल की तरफ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा फेमस सेल्फी पॉइंट।